जानता हूं, कायम करो या कायम रखो दीन को और आपस में तफरका न डालो उसके बारे में। इस आया मुबारका में अगरचे बाज नहवी मुश्किलात हैं जिनके बिना पर मुतरजमीन के माबेन इसके तर्जुमे में कदरे इख्तलाफ वाके हुआ है, लेकिन इस अमर पर जुमला मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन का इजमा है कि मुख्तलिफ रसूलों को अता होने वाली शरीयतों के माबेन तो किसी कदर फर्क व तफावत रहा है। वफावाए अल्फाज कुरानी लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा, सूरह मायदा आयत नंबर 48। लेकिन हजरत आदम से अलैहिस्सलाम ई दम तक दीन एक ही रहा है, शरीयतें मुख्तलिफ नहीं है, दीन तो एक है। दीन आदम का, दीन मूसा का, दीन ईसा का, दीन मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सब एक ही है, दीन नूह का। और उसी को कायम रखने या कायम करने का ताकीदी हुक्म हर रसूल और उसकी वसाकत से उसकी उम्मत को दिया जाता रहा। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मुल्क का आईन या दस्तूर असासी तो कायम और दायम रहे लेकिन उसके तहत तफसीली कवानीन में वक्तन फवक्तन रद्दो बदल होता रहता है। गोया दीन मुशाबे है दस्तूर के और शरीयत मुशाबे है कानून के, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो बिल्कुल अलहदा चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यह तय किया जाता है कि सॉवरेंटी किसकी है, लॉ गिवर कौन है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किसके पास है, यह चीज तय की जाएगी। अब जब जमहूरी होगा तो पहले तय किया जाएगा सिटीजन कौन है, क्योंकि उससे फिर वहां बात चलेगी कि कौन इसमें राय देने का मजाज है, इसलिए कि जमहूर को फैसला करना है कसरत राय से, तो सिटीजनशिप, फिर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, सॉवरेंटी, फिर प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ये चीजें हैं जो दस्तूर में तय होती हैं। अब उसके तहत कानून साजी होती रहती है, जो आजकल कहा जा रहा है कि पूरे साल में कोई कानून साजी नहीं कर सकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, कोई कानून कोई बिल ला ही नहीं सकी, इसलिए उसे पता है पार्लियामेंट में पास करा भी ले तो ऊपर वो सेनेट बैठी हुई है, सेनेट में उसकी अक्सरियत नहीं है, लिहाजा बस वो जिसको कहते हैं ना वक्त गुजारी वाला मसला चल रहा है, कोई भी कानून साजी कोई वो नहीं कर सकती, बिल्कुल बिल्कुल एक तरह का यूं समझिए कि तातुल है। तो कानून साजी तो होती रहती है और वकीलों की किताबों में आपने देखा होगा वो चेपियां लगी होती हैं कि फला में ये अमेंडमेंट हो गई, अब फला में ये अमेंडमेंट हो गई, फिर जब वो नई किताब छपेगी, नया एडिशन आएगा तो उसमें तो वो प्रिंट होकर आ जाएंगी, लेकिन वकील को तो अप टू डेट रहना होता है, अपने हर वक्त मुकदमा लड़ना है, कोई आ जाए तो उसके पास होनी चाहिए, तो वहीं पर वो लगाते रहते हैं। तो ये है कानून साजी, कानून बदलता है दस्तूर वहीं रहता है, दस्तूर की तब्दीली को बड़ा मुश्किल बना दिया जाता है, ये नहीं कि मोम की नाक बना दिया जाए जैसे भुट्टो साहब ने बना दिया था दस्तूर को, वो ब्रूट मेजॉरिटी उनके पास ऐसी थी उस वक्त कि जब चाह दस्तूर में तरमीम कर दी, और इससे भी दर हकीकत खुद उनके जो भी उनकी पिक्चर थी, इमेज था, वो खत्म होकर रह गया था। बहुत बड़ी उन्होंने अपने लिए ये बात जो है हासिल की थी पूरी दुनिया की सतह पर, बड़ा इमेज बना था कि एक कंसेंसस हासिल किया है एक शख्स ने पाकिस्तान जैसे मुल्क में दस्तूर के बारे में, जिसमें आज तक दस्तूर बन नहीं सका था, तो उसमें ऐसा इत्तेफाक कि तमाम लोगों ने दस्तखत किए उस पर, इतना कंसेंसस पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर जिस तरीके से उसको मोम की नाक बनाया है, वो सारा क्रेडिट भी खत्म और वो अपनी इमेज जो है बर्बाद कर ली। बहरहाल यहां फर्क समझ लीजिए कि शरीयत कानून है और दीन ये दस्तूर है, हाकमियत ही का मसला इसमें, असल हाकिम कौन है, अल्लाह हाकिम है तो ये दीन इस्लाम है, और कोई और हाकिम मुतलक है वो दीनुल मलिक है, जमहूर हाकिम मुतलक है तो दीनुल जमहूर है, असल मसला ही है। अब जाहिर है कि हर दौर में अल्लाह का दीन मुतशक्किल हुआ उस दौर की शरीयत की सूरत में, लिहाजा हर दौर में इकामत दीन की वाहिद सूरत यही थी कि उस दौर की शरीयत को बिलफेल राइज व नाफिज किया जाए, महज कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं चलाता ना मुल्क को, मुल्क को तो फिर वो कानून चलाता है कि जो उसके तहत बना है। और अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के खत्म और दीन के कामिल हो जाने के बाद इकामत दीन की कोई सूरत तनफीज़ शरीयत मोहम्मदी अला साहिब अस्सलाम के सिवाय मौजूद नहीं है, यह तनकीज़ बन गया है, यह तनफीज़ है।
उस असल दीनुल्लाह की ताबीर के ज़िमन में जो हमेशा एक ही रहा है और ताक़याम क़यामत एक ही रहेगा। अगर खुद कुरान ही की जानिब रुजू किया जाए तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 के इब्तदाई अल्फाज इन्नद दीन इंदल्लाह इस्लाम के रूह से सही तरीन लफ्ज़ इस्लाम है। अलबत्ता अक्सर मुहक्किकीन ने इस असल दीन की ताबीर के लिए तौहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तौहीद भी तो यही है, एक अल्लाह की हाकमियत। लेकिन ज़रा गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इससे असल मुराद व मतलूब के एतबार से कोई फ़र्क वाक़ नहीं होता, इसलिए कि तौहीद के दो जुज या दो रुख हैं, एक इल्मी और नज़री और एतकादी और दूसरा अमली। और तौहीद अमली का तकाजा इनफरादी सतह पर इसके बगैर पूरा नहीं हो सकता कि इंसान बिलफेल और बिलकुल्लिया बंदे रब बन जाए, और इज्तमाही सतह पर इसके तकाजे की तकमील की वाहिद सूरत है पूरे निज़ाम इज्तमाही पर अल्लाह के दीन की बिलफेल और गैर मशरूत और बिला इस्तिस्ना बाला दस्ती, यानी तकबीर रब या इकामत दीन या इस्लामी इनकलाब। नहीं ये बात कि इस्लामी इनकलाब या इकामत दीन के एतबार से ज्यादा अहमियत इस्लाम के निज़ाम अदल इज्तमाही और दीन हक के निज़ाम अदल किस को हासिल है, तो वो इससे साबित होती है कि सूरह शूरा की आयत नंबर 13 में इकामत दीन के ताकीदी हुक्म के फौरन बाद आयत नंबर 15 में आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ऐलान करने का हुक्म दिया गया, व उमिर तो ले अदला बैनकुम, मुझे हुक्म हुआ है तुम्हारे माबैन अदल करो। और आयत नंबर 17 में बड़े शाहाना जलाल के साथ फरमाया गया अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक वल मीज़ान, अल्लाह वो है जिसने किताब भी नाजिल फरमाई है फैसला कुन बात के साथ और मीज़ान भी नाजिल फरमाई। और यहाँ जाहिर है कि मीज़ान से मुराद वो निज़ाम अदल व किस्त है जिसमें हरेक के हुकूक व फ़राइज तोले जाएँ। इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू इंशाअल्लाह चौथी इस्तलाह के ज़ैल में होगी। अब तीसरी इस्तलाह लीजिए, ग़लबा दीन हक। इस्लामी इनकलाब के लिए तीसरी और वाज़ह तरीन कुरानी इस्तलाह है ग़लबा दीन हक। चुनाचे कुरान हकीम में तीन मकामात पर सूरह तौबा आयत नंबर 33, सूरह फतह आयत नंबर 28, सूरह सफ़ आयत नंबर 9 में ये अल्फाज मुबारक बगैर एक शोशे के फर्क के वारिद हुए हैं, हुवल लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, जिसका तर्जुमा किसी कदर वजाहती इजाफों के साथ यूं होगा कि वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदा यानी कुरान हकीम और दीन हक यानी इस्लाम के साथ, ताकि वो गालिब कर दे उसको पूरे के पूरे दीन पर। इस आया मुबारका के हतमी और कती मदलूल के बारे में बहुत कुछ कीलो काल पाया जाता है, लेकिन बादना तामुल मालूम हो जाता है, और ये बिला शुबा एजाज कुरान का एक अहम मजहर है कि जुमला एहतमालात और इख्तिलाफात के बावजूद इसके मुराद व मतलूब में कतान कोई फर्क वाक़ नहीं होता, इसलिए कि इसके जिमन में कुल कीलो काल वह की जमीर फाइली और उसकी जमीर मफूली के मराजे की तयन के गिर्द घूमता है। यानी वो गालिब कर दे उसको, ले युज़हिरहू, ले युज़हिरहू में दो ज़मीरें हैं, ज़मीर फ़ाइली वो गालिब कर दे उसको गालिब कर दे, तो एक फ़ाइली एक मफ़ूली। अब इसके मर्जे कौन कौन से हैं, ज़मीर फ़ाइली से मुराद कौन है और ज़मीर मफ़ूली से मुराद क्या है, तो जितने तर्जुमे भी मुमकिन है वो सब कर लिए हैं, लेकिन नतीजा वही निकलता है। चुनाचे ज़मीर फ़ाइली भी मुमकिन तौर पर दो जानिब रुजू की कर सकती है, यानी अल्लाह की जानिब या रसूल की जानिब, और ज़मीर मफ़ूली के भी तीन मराजे मुमकिन हैं, एक अल्लाह, दूसरे रसूल और तीसरे दीन हक। अब ये छः मफ़हूम बन जाएंगे, और इनका एहसास किया जाए तो छः तर्जुमे मुमकिन हैं। मैंने ये खुलासा निकाल दिया है, बाकी तफसीली बहस वहाँ है, ये 24 सफ़े के अंदर इस आयत पर बहस की है मैंने, लेकिन यहाँ उसका खुलासा आ गया है। छः तर्जुमे क्या होंगे, यानी ज़मीर वो जो है वो अल्लाह या रसूल में से किसी एक तरफ जाएगी, और उसको गालिब कर दे तो अल्लाह को गालिब कर दे या रसूल को गालिब कर दे या दीन को गालिब कर दे, ये तीन दर हैं, तो तीन दर अब दो छः तर्जुमे हो गए। अब देखिए, एक ये है कि अल्लाह गालिब कर दे खुद अपने आप को, दूसरे ये कि अल्लाह गालिब कर दे अपने रसूल को, तीसरे ये कि अल्लाह गालिब कर दे दीन हक को, चौथे ये कि रसूल गालिब कर दे अल्लाह को, पांचवें ये कि रसूल गालिब कर दे दीन हक को,
और छठे ये कि रसूल गालिब कर दे खुद अपने आप को, यही छह इम्कानात हैं। और हर शख्स देख सकता है कि इन जुमला मुमकिन सूरतों का मदलूल और मुराद एक ही है, इसलिए कि एक तरफ हमारा ईमान है कि अगरचे अमल पर मुकल्लफ और उसका कासिब इंसान है, लेकिन मुअस्सिर हकीकी और फाइल हकीकी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। रसूल गालिब कर रहा है तब भी अल्लाह गालिब कर रहा है, सहाबा ने कत्ल किया है मुशरिकीन को तो अल्लाह कहता तुमने कत्ल नहीं किया मैंने किया, और ए नबी आपने मुट्ठी नहीं फेंकी थी हमने फेंकी थी, तो फर्क क्या हुआ। कासिब आमाल इंसान होते हैं, फाइल और खालिक आमाल अल्लाह है, मुअस्सिर हकीकी अल्लाह है, फाइल हकीकी अल्लाह है। जिसकी मिसाल है चुनाचे सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 17 में वारिश हुदा अल्फाज, फलम तक्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह कतलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मुसलमानों उन्हें तुमने नहीं अल्लाह ने कत्ल किया, और ए नबी वो मुश्ते खाक जो आपने फेंकी थी आपने नहीं अल्लाह ने फेंकी थी। इस पर नस से कतई का दर्जा रखते हैं, गोया हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, और दूसरी तरफ गलबा अल्लाह को का हो या उसके रसूल का, इससे दीन का मजमून वाहिद है, दीन अल्लाह का, दीन अल्लाह के रसूल का। तो गलबे की सारी सूरतें अल्लाह का या रसूल का या दीन का एक ही मफहूम है, दीन का गलबा, और गालिब करने वाला अल्लाह हो या रसूल हो कोई फर्क वाकई नहीं हुआ। उसके लिए मेहनत मुशक्कत जिद्दोजहद लोगों को जमा करना तबलीग करना तकलीफें झेलना यह किया है रसूल ने, लेकिन मुअस्सिर हकीकी फाइल हकीकी तो अल्लाह। तो छह के छह तर्जुमे कर लीजिए लेकिन मफहूम एक ही निकलेगा। कुरान हकीम में बगैर एक शोशे के फर्क के तीन बार वारिद होने वाले इन अल्फाज मुबारक की अहमियत पर इस वक्त तफसीली रोशनी डालना मुमकिन नहीं है, अलबत्त यह इजमाली इशारा जरूरी है कि इमाम हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें पूरे कुरान मजीद का उमूद यानी मरकज़ो महवर करार दिया है। और फलसफा वलीउल्लाही के एक अहम शारे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी मरहूम ने उन्हें बैनुल अक्वामी या आलमी इस्लामी इंकलाब का उनवान करार दिया है। और यह बात तो हर इंसान बतौर खुद समझ सकता है कि इन अल्फाज मुबारक में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बेसत की इतमामी और तकमीली शान बयान फरमाई है, लिहाजा ये सीरतुल नबी के सही फहम के लिए बमंजिले कलीद है। और यह बात पहले भी अर्ज की जा चुकी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 20 साल मसाई के जरिए जजीरा नुमाए अरब में फिल वाके तारीख इंसानी का जाम तरीन और मुहैयरुल उकूल इनकलाब बरपा किया, जिसकी नहायत वसी और अरीज इलाके तक तौसी हुई दौरे खिलाफत राशदा में। और हम इस्तेहकाम पाकिस्तान में हवालों के साथ वो हदीसें दर्ज कर चुके हैं जिनकी रूह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुबम अल्फाज में पेशन गोई फरमाई है कि क़यामत से कबल दोबारा पूरे कुरे अर्जी पर दीन हक का गलबा होकर रहेगा। और बकौल शाह वलीउल्लाह देहलवी उसी वक्त सूरह तौबा और सूरतुल फतह और सूरह सफ़ के इन अल्फाज मुबारक की हकीकत बतमामो कमाल जलवा गर होगी। वो हदीसें आपको याद होंगी कि हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूए अर्जी पर कोई घर नहीं रह जाएगा, खा वो ईंट गारे का बना हुआ हो और खा वो कंबलों का बना हुआ खेमा हो जिसमें इस्लाम दाखिल ना हो जाए। और इस्लाम के दाखिले की दो शक्लें होंगी, बेइज्ज़ अज़ीज़िन और ज़ुल्ले ज़लीलिन, या तो किसी इज्जत वाले की एजाज के साथ और या किसी जलील की तजलील के साथ। अब उसके मानी क्या, वही जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, या तो घर वाला ईमान ले आएगा तो इस्लाम दाखिल हुआ उसके घर में एजाज के साथ, लिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, और अगर ईमान नहीं लाएगा तब भी इस्लाम तो दाखिल होगा, उसे झुककर रहना पड़ेगा, उसकी तौहीन व तजलील होगी, वो तो कमजोर हो गया झुक गया, इस्लाम का गलबा तो है, लॉ ऑफ द लैंड, तो उसे भी मानना पड़ेगा इस्लाम को। ये है वो निज़ाम इस्लाम जो जिसने गैर मुस्लिमों को एकोमोडेट तो किया है लेकिन छोटा करके, लॉ ऑफ द लैंड में कोई भी मुदाहनत नहीं होगी, कोई मुफाहमत नहीं होगी, पर्सनल लॉ में जिसे चाहो बिच्छू को पूजो तुम या सांप को पूजो, जिसको चाहो पूजो, जिस पस्ती में मुबतला रहना चाहते हो रहो, लेकिन यह कि दीन कानून मुल्की वो अल्लाह का होगा। और दूसरी हदीस की है कि हुजूर ने फरमाया मेरे लिए पूरी जमीन मुझे मेरे लिए लपेट दी गई, मैंने उसके मशारिक व मगारिब को देख लिया, यह हजरत सौबान की रिवायत है, और मेरा दीन उन तमाम इलाकों के ऊपर गालिब होकर रहेगा जो मुझे दिखाए गए।
ये तो होकर रहना है। गोया एक आलमी इस्लामी इंकलाब अल्लाह की वो अटल और मुबरम तकदीर है जो बहर सूरत पूरी होकर रहेगी, खा ये बात मुशरिकों को कितनी ही नापसंद हो, वलाउ करेहल मुशरिकून, और खा दुनिया भर के कुफार और गैर मुस्लिम उसका रास्ता रोकने की कितनी ही कोशिश कर लें, वलाउ करेहल काफिरून। या बकौल इकबाल, तकदीर तो मुबरम नजर आती है लेकिन पीराने कलीसा की दुआ है कि यह टल जाए। अलगरज मुस्तकबिल के आलमी इस्लामी इंकलाब के लिए कुरान हकीम की तीसरी और वाज़ह तरीन इस्तिलाह है गलबे दीन हक। यह दूसरी बात है कि इसके लिए बहरहाल कुर्बानी तो इंसानों को देनी होगी, खून पसीना तो उनको करना होगा जो कलमे के जो मुद्दई हैं ईमान के अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अगर दौरे सहाबा में यही कुछ हुआ है और हुजूर को ही वो मुशक्कत करनी पड़ी और सहाबा को, तो जाहिर बात है कि आइंदा भी होगा, तो अहले ईमान की जिद्दोजहद और कोशिश से होगा। अल्लाह उस वक्त भी कवी था, अजीज था, चाहता तो एक दिन में दीन को गालिब कर देता, अब भी कवी है, अजीज है, चाहे तो आने वाहिद में गालिब कर दे, लेकिन यह कि यह उसने दुनिया जो बनाई है इस उसूल पर बनाई ही नहीं, वो तो मेहनत है, मुशक्कत है, कोशिश करो तभी तो अजर व सवाब के मुस्तहिक होगे, वरना अजर का आएगा सवाब का आएगा। नंबर चार, नस्ब मीजान अदल। इस्लामी इंकलाब की चौथी और सबसे ज्यादा इंकलाबी ताबीर सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25 में वारिद हुई है, जिसके बारे में बिला खौफ तरदीद यह दावा किया जा सकता है कि इतने मुख्तसर अल्फाज में और इतनी भरपूर और गंभीर इंकलाबी इबारत दुनिया के किसी इंकलाबी लिटरेचर में नहीं मिल सकती। मैंने यहां तो एहतियात की, मैं एक लफ्ज़ और तकरीर में कहा करता हूं, इतनी उड़िया इंकलाबी इबारत, कोई पर्दा रखा ही नहीं, साफ कहा है अंजलनल हदीद, लोहा भी उतारा है उनकी सरकोबी के लिए कि जो इस इनकलाब के रास्ते में आए। वो एपोलोजेटिक अंदाज जो कभी इख्तियार किया था जस्टिस अमीर अली ने, या ये कि सर सैयद अहमद खान ने, या उन्हीं के साथ खुद शिबली नो मानी, चूंकि वो भी तो जेर असर सैयद के रहे, सीरत में वही अंदाज है, या तो सिर्फ दिफाई जंगें थी और दिफा का मामला था, यही वजह है तकरीबन गोल कर गए हैं कि हिजरत के फौरन बाद से लेकर गजवा बदर तक जो आठ जंगी मुहिमें हुजूर ने भेजी उनका तस्करा ही नहीं किया। गजवा बदर में चूंकि चलकर आ रहे थे कुरैश, उसको नुमाया किया है ताकि मालूम हो जाए कि यह आगाज उधर से हुआ, आगाज तो इधर से हुआ था, हुजूर तो आठ जो है जंगी मुहिमात भेज चुके थे पहले, और पहले मुसलमानों के हाथों एक काफिर का कत्ल हो चुका था, इनिशिएटिव तो हुआ है अब हुजूर की तरफ से, लेकिन वो एक दौर था एपोलोजेटिक अंदाज, मरूबियत का अंदाज, वो हम पर हमले करते थे कि बुए खूह आती है इस कौम के अफसानों से, हमने कहा नहीं जी नहीं हुजूर, खामखा आपको मुगालता हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हमने तो सिर्फ दिफा के अंदर अपनी हिफाजत में जंग की थी, लेकिन कुरान कहता अनजलनल हदीद फीहि बासुन शदीदुन व मनाफिउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलगैब, इसलिए मैं कहता हूं यहां तो लगी लिपटी है ही नहीं, धड़ल्ले से कह रहा है कुरान और बरबला कह रहा है कि ताकत के इस्तेमाल का वक्त आए तो ताकत भी इस्तेमाल हो, ताकत काय के लिए इस्तेमाल करने के लिए, वो बातिल ही के लिए इस्तेमाल होगी, हक के लिए नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहा करता हूं कि ये तो बड़ी उड़िया इनकलाबी इबारत है। लकद अरसलना रुसुलना बिलबैनात वानजलना माहुमुल किताब अवल मीज़ान लियकूमन नास बिलक़िस्त وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ। जिस तरह उस आयत को खोल कर बयान किया था उसी तरह, क्योंकि तफसीर इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तर्जुमे में उसके दरमियान में वजाहत की चीज़ें शामिल करके बात यूँ बनेगी। इस आया मुबारक का तर्जुमा बास तशरीही इशारात के साथ यूँ होगा, यकीनन अपने अपने रसूलों को रोशन निशानियों यानी मौजज़ात और बराहीन के साथ भेजा और उसके साथ अपनी किताब भी नाजिल फरमाई और मीज़ान भी, ताकि लोग अदल पर कायम हो। इसीलिए उन्वान है नस्ब मीज़ान अदल, गाड़ देना मीज़ान अदल को, कायम कर देना, खड़ा कर देना। और जो लोग इस मीज़ान अदल के नस्ब करने में रुकावट बने उनकी सरकोबी के लिए हमने लोहा उतारा जिसमें हर्ब व ज़र्ब की शदीद कुव्वत है, और उसके साथ साथ लोगों के लिए कुछ दूसरे फायदे भी हैं, और इससे अल्लाह का असल मकसद यह है कि अल्लाह ईमान का दावा करने वालों को आजमाए और ये देखे कि उनमें से कौन है
जो लोहे की हरबी कुव्वत के इस्तेमाल के जरिए मदद करते हैं उसकी और उसके रसूलों की गैब में रहते हुए, वरना यकीनन अल्लाह खुद निहायत जोरावर और मुख्तार मुतलक है। आजिज होकर मदद नहीं मांग रहा तुमसे, मुख्तार मुतलक है, जब चाहे आने वाहिद में कर दे, लेकिन तुम्हारी आजमाइश है। इस आया मुबारका ने निहायत वाशगाफ अल्फाज में वाजे कर दिया है कि नंबर एक, शरीयत खुदाबंदी की असल हैसियत एक मीजान अदल व किस्त की है, जिसमें इंसानों के इंफरादी और इज्तमाई हुकूक व फराइज को तोले जाने चाहिए और जिसका असल मकसद मर्द और औरत, फर्द और जमात और सरमाया और मेहनत के माबैन हुकूक व फराइज का तवाजुन पैदा करना है। सानियन, बेसत अंबिया और रसुल और नुजूल वही कुतुब से आखिरी मतलूब यह है कि अल्लाह की अदा करदा मीजान अदल व किस्त बिलफेल नस्ब हो और जिसे जो कुछ मिले उसमें तुल कर मिले और जिससे जो कुछ लिया जाए उसमें तोल कर लिया जाए। और अगर यही मकसद हासिल ना हो, अगर ये नहीं, तो बाबा फिर सब कहानियां हैं। तिलावत करते रहो किताब की, सवाब लेते रहो, उसमें तिलावत करते रहो कि चोर का हाथ काट दो, चोर का हाथ काट दो, लेकिन कभी वो निजाम कायम ना करना जिसमें कि वो चोर का हाथ कटे। ये नहीं तो बाबा फिर सब कहानियां हैं कि मिश्ताक रसूलों के साथ इश्क मोहब्बत के दावे बातिल और किताब इलाही की तिलावत और किरात का ज़ौक व शौक बेमकसद हो जाता है। सालिसन, इस मीजान अदल व किस्त को अमलन नसब करने के ज़िमन में जहां असल काम दावत व तबलीग, वाज व तलकीन, इंजार व तबशीर और तरगीब व तरहीब से लिया जाएगा, वहां कुव्वत व ताकत का इस्तेमाल भी कतन गलत या मुतलकन नाजायज नहीं, बल्कि हसब जरूरत न सिर्फ जायज बल्कि बाज सूरतों में फर्ज और वाजिब हो जाता है। नंबर चार, जिस तरह इंसान की हयात दुनियावी का असल मकसद अज़ुए कुरान इब्तिलाओ आजमाइश है, जहन में लाइए सूरतुल मुल्क की आयत नंबर दो, खलकल मौत अवल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत और जिंदगी का यह सिलसिला इसीलिए बनाया है कि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला। और गौर और तवज्जो कीजिए अल्लामा इकबाल के शेर की जानिब कि कुलजुमे हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। इसी तरह अंबिया और रसूल की बेसत और किताब और शरीयत के नुजूल का मकसद उन लोगों के खुलूस व इखलास और सदाकत का इम्तिहान है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान के दावेदार हो कि आया वो अल्लाह की अता करदा मीज़ान अदल को बिलफेल नसब करने और इस्लाम के निज़ाम अदल व किस्त को अमलन नाफिज करने में तन मन धन खपाते, हत्ता के वक्त आने पर नकद जान हथेली पर रखकर मैदान में आते हैं या नहीं। खामिसन, वो साहिब ईमान जो इस इम्तिहान में पूरे उतरे अल्लाह के नज़दीक बुलंद तरीन मकाम व मरतबे के मुस्तहिक होंगे, यहां तक कि अल्लाह और उसके रसूल के मददगार करार पाएंगे। कुरान हकीम के तालिब इल्म जानते हैं कि इस किताब अजीज का एक मुस्तकिल उसूल यह है कि इसमें अहम मजामीन कम अज कम दो मरतबा जरूर आते हैं। चुनाचे बयान ही सूरह हदीद की इस आयत नंबर 25 की तरह सूरह शूरा, जिसका हम पहले हवाला दे चुके हैं, कि आयत नंबर 17 में भी किताब मीजान का जिक्र यकजा हुआ है, अल्लाहुल्लज़ी अंज़ला अल-किताब वल मीज़ान, यहां भी फरमाया वांज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान। इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत का जिक्र जिस अंदाज में सूरह हदीद की इस आयत के आखिर में आया है, बिल्कुल उसी तरह सूरह सफ की आखिरी आयत में वारिद हुआ है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसार अल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम अल हवारियीना मन अंसारी इलल्लाह। और जहन में ताज़ा कर लीजिए कि सूरह सफ की मरकजी आयत वही है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत बयान हुआ है, यानी वही है जिसने भेजा अपने रसूल को अलहुदा और दीन हक के साथ ताकि गालिब करे उसे के पूरे उसको उसे पूरे के पूरे दीन पर। गोया सूरह शूरा में वारिद शुदा इस्तिलाह इकामत दीन, सूरह सफ सूरह फतह और सूरह तौबा में वारिद शुदा तसव्वुर गलबा दीन, और सूरह हदीद में वारिद शुदा ताबीर यानी नस्ब मीज़ान अदल, सब का मुरादो माना एक ही है यानी इस्लामी इनकलाब। और बात वही है कि एक फूल का मजमू हो तो सौ रंग से बांधो। पांचवी इस्तलाह, दीन का बिल्कुल लिया अल्लाह के लिए हो जाना।
कौन नहीं जानता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 साल इंकलाबी जिद्दोजहद का एक अहम और नुमाया मरहला क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में जंग भी था, जो अंदरून मुल्क अरब भी 6.25 बरस जारी रहा। इसलिए कि पहला बाज़ाब्ता मुसल्ला तसादुम रमज़ान सन 2 हिजरी में बद्र के मैदान में हुआ था, और रमज़ान सन 8 में फतेह मक्का के बाद भी सन 8 के अवाखिर तक गज़वा हुनैन और मुहासरा ताइफ की सूरत में जारी रहा। यह मरहला कब और कैसे शुरू हुआ और इन 6.25 सालों के दौरान इसमें क्या क्या नशेब व फराज आए, इस मौजू पर तो मुफसल गुफ्तगू आइंदा मराहिल इंकलाब के ज़िमन में होगी। इस वक्त सिर्फ इस हकीकत की जानिब इशारा है, मकसूद है कि क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के मुंतहाए मकसूद के बयान के ज़ैल में मुतज़क्करा बाला उसूल के ऐन मुताबिक कुरान हकीम में 2 मकामात पर इस्लामी इंकलाब के लिए 5वीं इस्तिलाह वारिद हुई है। यह क़िताल किस लिए है और क़िताल कब तक जारी रहेगा, उसके लिए 2 जगह, यानी यह कि फितना फरो हो जाए और दीन बिल्कुल ही अल्लाह ही के लिए हो जाए। चुनाचे सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 39 में इरशाद हुआ, वकातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन वयकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और उनसे जंग जारी रखो हत्ता के फितना बाकी न रहे और दीन कुल का कुल अल्लाह ही के लिए हो जाए। और सूरह बकरा की आयत नंबर 193 में यह अल्फाज मुबारक के सिर्फ एक लफ्ज कुल ही के सिवा जू के तू वारिद हुए। यह बात तो इससे कबल वजाहत के साथ अर्ज की ही जा चुकी है कि दीन इस्तिलाह कुरानी में निज़ाम इताअत के हम मानी है, और दीन के बिल्कुलिया अल्लाह के लिए हो जाने का मफहूम यह है कि निज़ाम इज्तमाही अपने जुमला पहलुओं समेत बिल्कुलिया और बिला इस्तिस्ना इताअत खुदाबंदी का पाबंद और अहकाम खुदाबंदी के ताबे हो जाए। जहां तक अहवाल शख्सियत का ताल्लुक है तो जाहिर है कि इस मामले में मुसलमान तो लामुहाला अल्लाह के दीन के ताबे ही रहेंगे, अलबत्ता गैर मुस्लिम इस मामले में मुस्तस्ना रहेंगे, चुनाचे अकायद इबादात और दीगर शख्सी मामलात में उन्हें आज़ादी हासिल रहेगी। मुसलमान का तो पूरा दीन होगा अल्लाह के लिए, मुखलसिन लहुद्दीन। फितना अरबी जबान में कसौटी को कहते हैं। अब ये देखिए फितना का लफ्ज, हत्ता ला तकूना फितनतुन, फितना खत्म हो जाए, फितने से मुराद क्या है? फितना बदमनी को नहीं कहते, फितना कसौटी को कहते, जिस पर किसी चीज को परखा जाए, जिस पर रगड़ने से खरे और खोटे में इम्तियाज किया जा सकता है। और इस्तिलाह कुरानी में हर वो शय या अम्र या हालत या कैफियत फितना है जिससे किसी साहिब ईमान का ईमान इम्तिहान और आजमाइश से दो चार हो जाए। हर वो शय या अम्र या हालत या कैफियत फितना है जिससे कि किसी साहिब ईमान का ईमान इम्तिहान और आजमाइश से दो चार हो जाए। अबू जहल जब मार रहा था हजरत सुमैया को और हजरत यासिर को रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो ये फितना था उनके लिए। इन्नल लजीन फतनुल मोमिनीन वल मोमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक, और आसमानी बादशाह का जिक्र आता, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, तौबा करो खुदाई बादशाहत करीब है। और अगरचे बाद मवाक़े पर उसके मफहूम के तायुन में कोई मुतसव्विफाना या इस आलम से मावराई अदर वर्ल्डली ताबीर इख्तियार करने की गुंजाइश होती है कि मुराद क्या है इससे खुदाई बादशाहत से, लेकिन मती की इंजील में शामिल मशहूर और मारूफ पहाड़ी के वाज सरमन ऑफ द माउंट में वादिल शुदा हसब ज़ैल अल्फाज के बारे में तो हरगिज किसी शक व शुबे की गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इनका मफहूम बिल्कुल वही है जो तकबीर रब का या इकामत दीन का या गलबा दीन हक का या एलाए कलिमतुल्लाह का। और यह है वो लॉर्ड्स प्रेयर जो अब इनके यहाँ सूरह फातिहा के दर्जे में है, बाकी नमाज वमाज तो है नहीं, बस वो घुटना जमीन पे टेक के ये दुआ मांग लेते हैं, यही उनकी प्रेयर है। उसमें ये अल्फाज आते हैं, दाई किंगडम कम दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, Matthew 6:10 किंग्स जेम्स वर्शन। तर्जुमा, ए रब तेरी बादशाहत आए और तेरी मर्जी जमीन पर भी उसी तरह चले जैसे आसमान पर चलती। अब इसमें तो जाहिर बात है कि किसी और ताबीर की गुंजाइश ही नहीं।
जैसे तमाम ये कुर्रे और ये सब तमाम सैयारे और सवाबित अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, ऐसे ही इस ज़मीन पर भी जो फसाद और जो बगावत आई है वो ख़त्म हो जाए और रब तेरी मर्जी इस ज़मीन पर भी पूरी हो। वादे रहे कि ये अल्फाज उस लॉर्ड्स प्रेयर में शामिल हैं जिसकी हैसियत व अहमियत ईसाइयों के यहाँ बिल्कुल वही है जो हमारे यहाँ सूरह फातिहा की। राकिम को अच्छी तरह याद है कि अब से लगभग 25 साल कबल जब राकिम ने नहायत इन्हिमाक से इंजील का मुताला किया था तो हजरत मसीह के बवाइस में किंगडम ऑफ हेवन, बल्कि किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ के अल्फाज भी पढ़ने में आए थे, लेकिन इन सतूर की तहरीर के वक्त फौरी तौर पर उनका हवाला नहीं मिल सका। बहरहाल ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है कि इस्लामी इनकलाब के लिए इंजील की कदीम इस्तिलाह है खुदाई बादशाहत का क़याम। अब आइए 20वीं सदी ईस्वी की इस्तिलाहात। अब ये उसी उसूल के तहत नई इस्तिलाहात वदा की गई जो मैंने शुरू में बयान किया था। हर दौर में लोगों के जहनों के सांचे कुछ होते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है जो आम हो जाती है। अगर आप उस टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो लोगों के जहन तक पहुंच नहीं सकेंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू रीच द माइंड्स ऑफ द पीपल। कम्युनिकेशन का हक अदा नहीं होगा, इबलाग का हक अदा नहीं होगा। इसी उसूल के तहत ये इस्तिलाहात इख्तियार की गई। राकिमुल हुरूफ अपनी तहरीर उम्मत मुस्लिमा का उरूज जवाल में तफसीलन और अपनी तालीफ इस्तेकाम पाकिस्तान में इख्तिसारन अर्ज कर चुका है कि 20वीं सदी ईस्वी को उम्मत मुस्लिमा की तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत हासिल है। इस सदी के अवाइल में यानी पहली जंग अजीम के बाद उम्मत मुस्लिमा अपनी 1400 साल तारीख के दूसरे दौर जवाल की इंतहा को पहुंच गई थी। इसके बाद के 50-60 साल का अरसा एक अजीब नक्शा पेश करता है, यानी एक जानिब जवाल के साए भी मजीद गहरे हो रहे हैं तो दूसरी जानिब एक हमा जहती एहियाई अमल का आगाज भी हो गया है और उम्मत मुस्लिमा बहसियत मजमूई अपने तीसरे और आखिरी उरूज की जानिब पेश कदमी शुरू कर चुकी है। इस गंभीर एहियाई अमल में जहां कौमी और सियासी तहरीकें भी बरसरे कार रहीं और मजहबी और इस्लाही तहरीकें भी परवान चढ़ीं, वहां एक खालिस एहियाई और इनकलाबी तहरीकों का भी आगाज हुआ जिनका मतमह नजर दीन हक की कामिल तजदीद या कुल्ली इस्लामी इनकलाब था। इन तहरीकों के दाइयों ने उसी जरूरत के पेश नजर जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, यानी यह कि हर दौर में इबलाग का हक अदा करने के लिए उस दौर के मखसूस मुहावरे ईडियम में कलाम लाजिम होता है, तकबीर रब या इकामत दीन या गलबा दीन या इलाए कलमतुल्लाह के लिए मुख्तलिफ औकात मराहिल पर मुख्तलिफ इस्तिलाहात को इबलाग आम का जरिया बनाया जिनमें से तीन दर्जे ज़ैल हैं, ताकि सूरह बकरा की आयत नंबर 196 में वारिद शुदा अल्फाज तिलका अशरतुल कामिला से मुशाबहत पैदा हो जाए। सात तो हो चुकी हैं, पांच कुरान की, एक हदीस की, एक इंजील की, तीन है ये 20वीं सदी की तहरीकों की। इनमें से अहम तरीन इस्तिलाह जिसे इस सदी के अवाइल में मुतअद्दिद असहाब दावत व अजीमत ने इस्तेमाल किया हुकूमत इलाहिया का क़याम है। यह इस्तिलाह मौलाना आज़ाद की भी है, यह इस्तिलाह जो है अल्लामा मशरकी ने भी इस्तेमाल की, यह इस्तिलाह खैरी बिरादरान अब्दुलसत्तार खैरी, अब्दुलगफ़ार खैरी, ये भी उस दौर में बहुत मशहूर शख्सियतें थे। तो ये अलहदा बात है कि अब इन तमाम शख्सियात का तारुफ कराना मेरे लिए यहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन मीसाक में तस्करा आया था इनका तफसील से भी। उन सब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया और उसी को लेकर मौलाना मौदूदी साहब आगे चले थे। जैसे मैं बता चुका हूं कि फिर इस्लाही साहब जब साथ आए हैं तो फिर वो इकामत दीन वगैरह की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल हुई। इनमें से अहम तरीन इस्तिलाह जिसे इस सदी के अवाइल में मुतअद्दिद असहाब दावत व अजीमत ने इस्तेमाल किया हुकूमत इलाहिया का क़याम है। इस इस्तिलाह को सबसे पहले अलहलाल और अलबलाग के मुदीर और हिजबुल्लाह के मुअस्सिस व अमीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम ने इस्तेमाल किया था। फिर जब वो बाद उलमा की मुखालफत और मुजाहमत से बददिल होकर बिल्कुल्लिया जिहाद हुर्रियत में मसरूफ और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए तो उनके मिशन को उन्हीं के ईजाद करदा इस्तिलाह के हवाले से असर नौ शुरू किया मौलाना अबुल आला मौदूदी मरहूम मुदीर तर्जुमानुल कुरान और बानी जमात इस्लामी ने। इसी तरह इस इस्तिलाह को इख्तियार किया खाकसार तहरीक के दाई और सरबरा अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी मरहूम के अलावा बास दूसरे निस्बतन गैर मारूफ असहाब मसलन खैरी बिरादरान वगैरह हम ने। इस इस्तिलाह के पसपर्दा दो हकाइक लायक तवज्जो हैं। एक ये कि चूंकि आलमी सतह पर यह दौर सियासी तहरीकों का था जिनका हदफ हुकूमत होती है, माशी तहरीकों का मामला अभी सिर्फ यूरोप तक महदूद था,
अभी ये थर्ड वर्ल्ड में तो सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही थी। जहां इनकलाब रूस अभी ताज़ा ताज़ा बरपा हुआ था, यानी वेस्ट में, यूरोप में, लिहाजा हुकूमत इलाहिया का लफ्ज़ नहायत आसान और करीबुल फहम था। दूसरे ये कि उस दौर में पूरा आलम इस्लाम यूरोप की ईसाई अकवाम के ज़ेर तसल्लुत था, और बिलखसूस हिंदुस्तान तो अंग्रेज़ों का बराह रास्त गुलाम था, जिन्होंने यहाँ ईसाइत की तबलीग का सिलसिला भी पूरे ज़ोर शोर से जारी कर रखा था। लिहाजा इस पस मंज़र में हुकूमत इलाहिया का लफ्ज़ ही मौजू तरीन था, इसलिए कि यह पूरा हमपल्ला और कामिल मद्द मुकाबिल था खुदाई बादशाहत का। बहरहाल 20वीं सदी ईस्वी के नसवी अव्वल के दौरान जुमला इहयाई व तजदीदी मसाई के आखिरी हदफ और नसबुल ऐन की ताबीर के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली असलाह हुकूमत इलाहिया का क़याम थी, अगरचे जमात इस्लामी की हद तक मौलाना अमीन हसन इस्लाही की शमूलियत के बाद उनके ज़ेर असर उसकी जगह इकामत दीन की ठेठ कुरानी असलाह इस्तेमाल होने लगी, और ताहाल जमात के असहाब इल्म व दानिश के हल्के में इसी का सिक्का रवा है। नंबर 9, क़याम निज़ाम इस्लामी। 1947-48 में जब जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पाकिस्तान की अमली सियासत के मैदान में उतरने का फैसला किया, तो फितरी तौर पर हुकूमत इलाहिया और इकामत दीन की जगह किसी ऐसी इस्तिलाह की ज़रूरत महसूस हुई जो ज़्यादा आसान और अवामुल नास के लिए काबिल फहम हो। चुनांचे पाकिस्तान में मौलाना मौदूदी मरहूम की पहली अवामी तकरीर का उन्वान करार पाया मतालबे निज़ाम इस्लामी, और उसके बाद लगभग रुबा सदी तक यही इस्तिलाह जमात के अवामी मुकर्रों की तकरीरों का उन्वान बनी रही। चुनांचे उस दौर के लिसान ताइफा जनाब नईम सिद्दीकी ने अपनी एक रज़िया नज़म में फरमाया था, उस वक्त की कैफियात बड़ी अजीब थी, मालूम होता था कि बस हम पहुँच चुके हैं, अब इनकलाब आया के आया। बोल शहर निज़ाम इस्लामी, क्या तेरे सख्फ़ो बाम कहते हैं, तेरे दर पर खड़े तेरे वाली आज तुझको सलाम कहते हैं। जैसे किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो कि दरवाज़ा खुले और हम दाखिल हों, मालूम हुआ कि अब तो बस वो वक्त आ गया है। बोल शहर निज़ाम इस्लामी, क्या तेरे सख्फ़ो बाम कहते हैं, तेरे दर पर खड़े तेरे वाली आज तुझको सलाम कहते हैं। ये उस दौर की शायरी है, उस दौर में जज्बा और उमंग बहुत थी। आखिरी दसवीं, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट कह लें, निज़ाम निफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा। इस सिलसिले की आखिरी इस्तिलाह निफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो 1977 में मुत्तहिदा कौमी महाज़ PNA की तहरीक का उन्वान बनी, और जिससे कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान का कामिल तूल व अरज़ उसी तरह गूंज उठा जैसे 1946-47 में पूरा बर अज़ीम पाक व हिंद पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से गूंज उठा था। और इस मौके पर निज़ाम इस्लामी की जगह निज़ाम मुस्तफ़ा की इस्तिलाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तो इस बिना पर इख्तियार की गई कि अवामी तहरीकों में जज्बात का मामला बहुत अहम होता है, और हर मुसलमान को क़तअ नज़र इससे कि वो बेअमल हो या बाअमल, और मुत्तकी हो या फासिक व फाजिर, बहर सूरत आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात से जो जज्बाती वाबस्तगी है उसकी बिना पर उसके जज्बात में जो एहतजाज व इरतआश निज़ाम मुस्तफ़ा के अल्फाज से होता है वो निज़ाम इस्लामी से नहीं होता, जो जज्बा उसमें हरकत करता है। और दूसरा और अहम तर मामला जमाती और फ़िरके वाराना मसलहतों का था, इसलिए कि निज़ाम इस्लामी के अल्फाज से जिस जमात की तरफ जहन लामुहाला मुंतकिल होता था वो है जमात इस्लामी, जबकि निज़ाम मुस्तफ़ा की इस्तिलाह ईजाद है बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा व कायदीन की, इसलिए बजाय उसके वो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। अभी अजान नहीं देनी भाई, मैंने कहा कि आज ज़रा ताखीर करेंगे। बहरहाल हमारी मौजूदा बहस की हद तक इससे कोई फ़र्क वाकई नहीं होता, इसलिए कि हमारे पेश नज़र इस वक्त सिर्फ इस अम्र की वजाहत है कि अगरचे इस्लामी इनकलाब बिला शुबा एक जदीद और हादिस इस्तिलाह है, ताहम इसका मफहूम कदीम है, और वो वही है जो कुरानी इस्तिलाहात तकबीर रब, इकामत दीन, गलबा दीन हक, नस्ब मीज़ान अदल, और यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और हदीस नबवी की इस्तिलाह ले तकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया का है, और इसका मतलूब व मकसूद वही है जो इंजील की इस्तिलाह में खुदाई बादशाहत और बास दीनी तहरीकों की इख्तियार करदा इस्तिलाह के मुताबिक हुकूमत इलाहिया, निज़ाम इस्लामी और निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम का है। आइंदा बाब में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि उस निज़ाम अदल इज्तमाही के बुनियादी उसूल क्या है,
जिसका क़याम इस्लामी इनकलाब का मकसूद व मतलूब है, और उस सियासी माशी और समाजी निज़ाम के अहम खदोखाल क्या होंगे जो उसके नतीजे में कायम होगा, ताकि इस्लामी इनकलाब क्या का जवाब मुकम्मल हो सके। अब फौरन तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे कलम को खोल दे और सुकून अता करे, ताकि मैं ये अब आगे इस तसनीफ़ को मुकम्मल कर सकूँ। इसलिए कि मेरा मामला ऐसा ही होता है, बस कभी कभी कलम खुलता है अल्लाह की खास ही हिदायत से, वरना बंद हो जाता है। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ उसे मज़ीद वजाहत के साथ बयान कर दूँ कि अब इशा के बाद का सेशन आज नहीं है। हमारे पास अब मौजू के लिए दो चीज़ें हैं जिस पर कि हमें गुफ्तगू करनी है। एक तो आज हमारा एक हिस्सा रह गया है कि ये तो हमने समझ लिया ये तीसरी मंजिल, लेकिन इस तीसरी मंजिल के जिद्दोजहद के मराहिल क्या हैं, और उसमें आखिरी मरहला इकदाम का वो इस दौर में किस तरह होगा। एक तो ख्याल ये था कि उसकी वजाहत के लिए मनहज इनकलाब नबी का जो आखिरी चैप्टर है, जो सेकेंड एडिशन में ऐड किया गया, उसका हम मुताला कर लेते हैं। दूसरे ये है कि अब ये तहरीक जो इस काम के लिए चलनी है, टॉप के लिए, उसका एक निज़ाम क्या होना चाहिए, उसका फलसफा क्या है। एक तो है निज़ाम बैत हमने इख्तियार किया है, ये तो गोया कि एक कानूनी ढांचा है उसका, लेकिन उसमें क़यादत, इमारत और लोगों का और उसके साथियों का उनके साथ ताल्लुक, उसकी नौइयत क्या होनी चाहिए, यह एक बड़ा ही ट्रिकी प्रॉब्लम है, बड़ा पेचीदा मसला है। इस मौजू पर एक जहन मौलाना मौदूदी का था, और वो जहन असल में कहीं किसी तहरीर और तकरीर में नहीं आया था, वो हम सिर्फ उनके तर्ज अमल से अखज कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों अचानक मैं उसके लिए बहुत ही तलाश में था, मौलाना मौदूदी ने माछी गोट के बाद फिर जो एक शूरा हुई थी कोट शेर सिंह में, मुझे मालूम हुआ था, मैं तो शूरा में नहीं था और मैं जमात को छोड़ भी चुका था उस वक्त, लेकिन मालूम हुआ कि उसमें मौलाना ने अपना फलसफा जो है वो इज्तमाइत की नौइयत क्या हो उसको बयान किया है। उसी पर मौलाना इस्लाही साहब जो है शदीद नाराज होकर वहीं से उठे और जाते ही उन्होंने इस्तीफा अपना जमात की रुकनियत से लिख दिया। अब मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि मौलाना की वो तकरीर मुझे मिल सके, और वो नहीं मिली आज तक। वैसे मालूम यह हुआ जमात इस्लामी के यहाँ भी रिकॉर्ड अब रहा नहीं उन चीज़ों का, वैसे भी 33 बरस हो गए, वो आज की बात तो नहीं है, वो सुल्त सदी बीत चुकी है। तो इसमें उन्होंने जो दफ्तर वगैरह अपने तब्दील किए, मरकज़ यहाँ से वहाँ गया, मंसूरा बना इसी दौरान में, तो काफ़ी चीज़ें गुम हो चुकी हैं। अचानक कुछ दिन हुए कि ये आईन में एक तकरीर मौलाना मौदूदी की शाये की गई, वो मैंने पिछले मीसाक में इसीलिए बतमामो कमाल शाये कर दी कि बहरहाल इस दौर की एक जमात जो हमारे नज़दीक उस इनकलाबी रास्ते से हट चुकी है, वो मुद्दई है कि हम उसी इनकलाब के रास्ते पर हैं। बहरहाल हम ये तो हम भी मानते हैं कि वो इनकलाब ही के बुनियाद पर कायम हुई थी, इसमें कोई शक नहीं, और कम से कम 7 बरस तो वो यकीनन उसी ठेठ उसूली इनकलाबी नहज पर चली भी है। तो उसके दाई और मुअस्सिस और उसके जो अमीर रहे इतने तवील अरसे तक, उनका जहन क्या है, ये अल्लाह के फजल से उस तकरीर के हवाले से हमारे सामने आ गया, और मैंने फौरन बिला ताखीर उसे मिसाक में शाये कर दिया, ताकि हमारे भी सोचने समझने वाले साथी जो हैं वो उसको पढ़ें, सोचें उसमें क्या पहलू सही है क्या गलत है, जो सही है उसको अला वजील बसीरत अखज करें, जो गलत है उसको अला वजील बसीरत रद्द करें। तो ये है दर हकीकत पस मंजर के कल हमें उसका मुताला करना है, लेकिन मुताले का स्टाइल मुख्तलिफ होगा। अब कल आप भी शायद उकता चुके हो, अब एक ही तरह की ये जो मोनोलॉग चल रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, और मैं भी चूंकि थक गया हूँ तो मुझे भी अब उसके लिए कोई अल्टरनेट मेथड जो है सोचना मैंने मुझे पड़ा है सोचना, और वो ये है कि अब हमारे जितने साथी भी इसके लिए तैयार हो वो उस मजमून को भी पढ़ें। मजीद बरहा मीसाक का वो पर्चा छप के आ चुका है जिसमें कि वो नक्ज़ गज़ल की भी 4 किस्तें शाये हो गई हैं, उसके भी जो ज़रूरी हिस्से हैं वो पढ़ें, फिर अपनी राय बनाएं। मेरा जहन और बैत का निज़ाम उसके लबादिन वो तो सामने है, हम चल रहे हैं उसके ऊपर, और उसको देखें कि कहाँ वो चीज़ टैली करती है, कहाँ इख्तलाफ है, कहाँ आपको गलत नज़र आता है, कहाँ सही नज़र आता है। और मैं ये चाहूँगा कि मरकज़ी शूरा के जो हमारे अराकीन हैं वो तो इसके लिए खुसूसी मेहनत करें, रात को लगें, अपना जहन बनाएं और इजहार ख्याल करें यहां पर। बाकी हजरात जो हैं
वो ये है कि इजाजत लेकर वो बता दे कि हमें भी करना है, फिर हम देखेंगे कितने अफराद को हम उसके लिए मौका दे सकते हैं। इसलिए कि ये असल में उस नौ की हमारी जो वो जो होती थी मुशावरत एक्सटेंशन वाली, वो तो नहीं है, तौसी मुशावरत नहीं है, बल्कि ये तो नज़रियाती हमारा रिफ्रेशर कोर्स है। इसलिए सबको यहाँ पे उसका मौका नहीं दिया जा सकता, दिन भी हमारे पास अब सिर्फ कल का रह गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि शूरा के हजरात जो हैं वो तो इसके लिए ज़रूर मेहनत करें, पढ़ें, उन्होंने पढ़ा होगा, वो मजमून तो पढ़ा ही होगा, नक्ज़े गज़ल जो है वो भी आ चुका है पर्चा। जो दूसरे हजरात करना चाहते हैं वो भी उसके लिए मेहनत करें, पर्चे दोनों मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों पर्चे ताज़ा तरीन है, ये पूरी पूरी कीमत पे मिलेंगे, बगैर उसके नहीं मिलेगा पर्चा। और ये अलबत्ता पुराने पर्चे जो हैं ये आपको हमने दे दिए हैं, लेकिन ये कि ये पर्चे जो हैं ये तो नए पर्चे हैं। तो जो हजरात भी उस पर तैयारी करें, कल पहले वो इजहार ख्याल करेंगे और फिर जो है उसके बारे में मैं अपना नुक्ता नज़र जो है वो वाज़े कर दूँगा, और इसके बाद अगर वक्त रहा तो फिर वो भी हम मुताला कर लेंगे, वो जो है आखिरी चैप्टर मनहज इंकलाब नबवी का। वरना ये है कि अब इतने लंबे प्रोग्राम में से अगर एक चीज़ रह जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हमने अब तक तो ये जो आपका प्रोग्राम 5 दिन का मुकम्मल हो चुका, मेरे 4 दिन हो चुके हैं इस मुशक्क़त में, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से जो निसाब हमने बनाया था उसको हमने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, सिवाय ये कि आज का वो चैप्टर रह गया है। तो देखेंगे कल उसका भी वक्त मिल जाए तो, वरना फिर कल ये है कि आपके सवालात के भी मुझे जवाबात देने हैं। कल शाम का आखिरी जो सेशन होगा हमारा, उसमें अपने सवालात को भी बहुत ही अच्छे साफ वाज़े अल्फाज में वो आप मुरतब करके और चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब को तहरीरी शक्ल के अंदर दे दें, फिर उसमें कोई तरतीब वगैरह जो है वो कायम करेंगे। अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है, जहाँ जहाँ कोई खलजान हो, कोई ख्याल हो, कोई वजाहत मतलूब हो, वो आप लिख दें और उसके अंदर फिर तरतीब के साथ जो है उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा, और फिर कल आखिरी बातें जो भी होंगी वो इंशाल्लाह आखिरी सेशन में हो जाएंगी। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।